ननपार इशात उस्ताद रुकमान गुल पालारी न्यूमा दावत दया। अब मैं दावत किताब दूंगा जनाब मौकिक अदीब और इंडिजीनियस राइट के रहनुमा ख्वाजा गुलशन कलमती साहब को आए और अपने तहारात का इजहार करें। स्टेज पे बैठे मेरे साथियों, पंडाल में बैठे दोस्तों, साथ हलंदो रहे लाठ बरंदी रहे। मैं सिद्दी गोट के वासियों को और आवामी तहरीक के यूनिट के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आज ये खूबसूरत शाम हमारे एक जदोजहदी साथी यूसुफ मस्ती खान के नाम की। बहुत सारे दोस्तों ने कहा यूसुफ मस्ती खान के हवाले से, वो हमेशा तबकाती जदोजहद जो है उसमें मसरूफ़ अमल रहे, इख्तदारी पार्टी से बहुत दूर रहे। अगर वो चाहते तो आज सेनेटर भी बन सकते हैं, MNE बन सकते थे अगर वो इख्तदारी पार्टी में होते, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल रास्ता था। आज भी वो उस मुश्किल रास्ते में हमारे साथ हैं, हम सब के साथ हैं। वो इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, वो इस बर्बरियत के निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। जो मुझे कहना था रुकमान गुल पालारी ने कह दिया रमदा होटल वाली बात, तो मैं उर्दू में आपको कहना चाहता हूँ कि रमदा होटल से पहले कुछ हमारी मीटिंगें हुई तो मैंने डॉक्टर रुकमान गुल पालारी ने दोस्तों से रबते किए, तो फिर किसी ने कहा रमदा होटल का खर्चा मैं भरता हूँ, उधर हम मीटिंग करते हैं। 100 से ज़्यादा लोग आए थे सारे, जिस तरह पालारी साहब ने कहा पूरी क़यादत जो है मलिर की वो मौजूद थी। और यूसुफ मस्ती खान ने जब कहा कि ये सारे पहले बिक चुके हैं, एक एक का नाम लेकर कहा ये सब सरदार वडेरे बिक चुके हैं, आपको रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, हुआ यही, हमें छोड़ के चले गए। हम फिर ज़ीरो पर आ गए, जो हमारी जदोजहद थी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। हम सब मायूस हो चुके थे। मैं अपनी बात करता हूँ, मेमनकोट में हमारी मीटिंग थी, उस जब ये सारे दोस्त हमें छोड़ के चले गए तो मैंने कहा ख़त्म करते हैं इंडिजिनस राइट क्लाइंट्स को, हम नहीं चला सकते। तो यूसुफ मस्ती खान ने कहा नहीं चलाएंगे हम। और आज हम 5 साल से देरा टाउन के खिलाफ और जितनी भी कब्जागीरियत है उनके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और यूसुफ मस्ती खान आज भी हमारे साथ हैं बीमारी के बावजूद। वो सारे वडेरे, वो सारे सरदार हमें छोड़ के चले गए, इख्तदारी पार्टी के हवाले हो गए। खुद वो बात करते हैं, खुद वो बात करते हैं कि जब प्रेशर हुई, हमने भी प्रेशर किया उनके ऊपर, तो वो जरदारी साहब से मिलने गए बिलावल हाउस। उनकी अपनी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें पहले राव अनवर ने बुलाया, राव अनवर ने एक एक MP MNA को समझाया आपको क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे क़यादत की हैसियत को, हम अंदाज़ा लगाएं जिसकी बात यूसुफ मस्ती खान ने की थी। जब वो बिलावल हाउस में जाते हैं खुद वो कहते हैं कि सामने आसफ जरदारी, फरियाल टालपुर और अनवर राव अनवर बैठे हुए, हम सब सामने हाथ बांधे खड़े हैं। तो हमें कहा गया कि जाएं और समझाएं लोगों को कि अपनी ज़मीनें दें, कौन सी वहाँ पर आपने चुक्कू की और खजूर की फसलें लगाई हैं। ये हालत थी, किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, तो सब के सब खामोशों के बाहर चले आए। और आज आप देख रहे हैं कि आज ही अली मोहम्मद गोट, डेपार गुंतर गोट, अलीदाद कबोल गोट बिल्डर के जद में है, हमारे MPA MNA खामोश हैं। आज भी यूसुफ मस्ती खान अपने साथियों के साथ आवाज़ बुलंद कर रहा है, कल भी हम वहाँ जा रहे हैं, उससे पहले भी हम गए थे। तो ये सूरत हाल है, कल सारावान होटल में हमारी एक सेमिनार है फिशर फोक फोरम के साथ डेरा टाउन डिंगी और भंडार के हवाले से। तो दोस्तों ये वो दोस्त हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस निज़ाम को तब्दील करने की बात की। हमें और आपको इन सब का साथ देना चाहिए, जितनी हमें मलिर को आज इन जैसे लोगों की ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए आप अपने इख्तलाफात एक तरफ रखें, अवामी वर्कर्स पार्टी से आपको कोई भी इख्तलाफ हो एक तरफ रखें, इंडिजिनस राइट लाइन्स से आपको इख्तलाफ हो उसको एक तरफ रखें, यूसुफ मस्ती खान से तो कोई इख्तलाफ नहीं आपको, उसके क़यादत में आएँ और हमारे साथ चलें। और मलिर के हर मसाइल पर हम आपके साथ होंगे, यूसुफ मस्ती खान हमारी क़यादत करेंगे। आजकल वो बीमार भी हैं उसके बावजूद भी हमारे बीच में हर मीटिंग में हमारे साथ होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के लोग बहुत 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 कम जो पैदा होते हैं इस दुनिया में, उस एक नज़रिए को चल के लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारी पार्टियां तब्दील की, लेकिन हमारा बुनियाद
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बुनियाद जो थी वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी। जब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में था तो एक नज़रिया था हमारे पास, जब जहाँ भी जाते हैं, उसके बाद में बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन गढ़ा बुजुर्ग का मैं सदर रहा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हमें शुरू का जो नज़रिया है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में है, ये वो लोग वो नज़रियाती लोग के बासी हैं, उस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ इस तकरीब में बैठकर हमें उठ के चले जाना नहीं है, लेकिन जो बातें जो यूसुफ मस्ती खान के हवाले से बातें हो रही हैं, इन सब को लेके हमें एक एक लोग के पास जाना पड़ेगा, हर एक बंदे के पास जाना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। जब बात करेंगे, सवाल करेंगे, लोगों से सवाल करेंगे, अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करेंगे, तो आपके जहन में से खौफ निकलेगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे, चुप चुप के बैठे रहेंगे, हाथ बांध के खड़े रहेंगे, तो ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। आप सबको यूसुफ मस्ती खान बनना पड़ेगा, फिर हम इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं, इस मलीर के खुशहाली को वापस ला सकते हैं। हमें उस नज़रिए पे चलना पड़ेगा जो नज़रिया यूसुफ मस्ती खान ने, जो नज़रिया अवामी वर्कर्स पार्टी ने, जो नज़रिया लेनिन ने, जो नज़रिया मार्क्स ने हमें दिया है, जो नज़रिया हमें अब इंडिजिनस राइट लैंड्स दे रही है, उस पर हमें चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं सिद्दीक बोर्ड के वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का, उन्होंने हमें मौका दिया आपसे मिलने का। शुक्रिया अल्लाह भाई मन्नत वार। अब इनके बाद मैं दावत किताब दूंगा जनाब औरंगज़ेब बंगिश साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी है मजदूर किसान पार्टी कराची के, गुजारिश के बाद है। पंडाल में बैठी हुई मेरे भाइयों बहनों और स्टेज पे मेरे दोस्तों, 1978 में मैंने सियासी मकतब में जब दाखिला लिया तो इस पूरी रीजन में एक पुरतगैर दौर था। ईरान का इनकलाब इस रीजन में, अफगानिस्तान का इनकलाब इस रीजन में, और बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियाँ जन्म ले रही थी। जब मैंने इब्तदाई मकतब में दाखिला लिया तो यूसुफ मस्ती खान आला दर्जे के उस्ताद बन चुके थे सियासी तौर पर, हम उन्हीं के शागिर्दों में से हैं। मैं 1978 से यूसुफ मस्ती खान को जानता हूं, उसकी वजह यह है कि जब नज़रियाती सियासत आती है तो लोग नस्ल को, ज़बान को, फिरकों को मुस्तरद कर देते हैं। अफगानिस्तान इनकलाब के बाद जब पहली बार अफगानिस्तान में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके असरात बलोच और पश्तून पर बहुत ज़्यादा हुए, और मेरे वालिद एक पश्तून होती हुए वली खान के बजाय वो मीर गौस बख्श बजंजो के काफिले में शामिल हुए, इसलिए कि वो समझता था कि 78 का इनकलाब इस रीजन का बड़ा इनकलाब है और इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि बलोचों के तमाम लीडरशिप ने, यानी नवाब अकबर बुगटी तक, बलोचों का एक भी लीडर ऐसा नहीं था कि जिसने अफगान रिवॉल्यूशन की मुखालफत की या उसकी मज़ाहमत की, लेकिन पश्तून लीडरशिप ने उस इनकलाब को मानने से इनकार कर दिया। ये वो मरहला था जिस पे मेरे वालिद साहब ने बलोचों का साथ दिया, पश्तून लीडरशिप का साथ नहीं दिया। और मैं चूंकि सियासत के उस मकतब का तालिब इल्म था तो मैं यूसुफ मस्ती खान को 1978 से जानता हूँ। ये मुस्तकिल मिजाजी से आवामी मज़ाहमत की सियासत करते रहे, लोगों की सियासत करते रहे, ये कभी मिनिस्टर नहीं रहे, ये कभी गवर्नर नहीं रहे, लेकिन ये हमारे जहन पर, हमारे फिक्र पर छाए रहे, और हमारे उस्ताद का दर्जा ये हासिल कर चुके थे, हम इनके शागिर्दों में से थे। मैं जो आपको बुनियादी बात बताना चाहता हूँ कि जिस दौर में हमने आँख खोली वो मार्शाला का दौर था जयोलक का, और उसमें हमने एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज़ किया, लेकिन आज का जो दौर है ये जयोलक के उस मार्शाला दौर से इंतहाई ख़तरनाक दौर है। आज जो है हज़ारों पश्तूनों को गैब किया जा चुका है, हज़ारों बलोचों को गैब किया जा चुका है, सैकड़ों पश्तूनों को घरों से उठाया जा चुका है, सिंधी एक्टिविस्ट को उठाया जा चुका है, इंसानी हकूक के लोगों को उठाया जा रहा है। ये बर्बरियत का वो दौर है कि वो 78 से भी ख़तरनाक शक्ल में है। और हमारे जितने सियासी लोग हैं, मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि MRD की तहरीक में जब हमने जमहूरी तहरीक का साथ दिया, बड़ी स्ट्रगल की, लोगों ने कोड़े खाए, और सिंधी आवाम की अजीम जदोजहद के नतीजे में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारी लीडरशिप ने
कभी एक लीडरशिप ने उस फौजी जनता को कंधा दिया, कभी दूसरी सियासी उसने कभी कंधा दिया, और कभी जो है जर्नेल को जो है तुम के पहलाए गए। उन जर्नेलों के खिलाफ जो आवाम की स्ट्रगल थी, जर्नेलों को जमहूरियत का जो है बहुत बड़ा वो दिया गया कि ये जमहूरियत की चैंपियन है। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दौर है, ये जो परदगीर दौर है, हमें सोचना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी। और मैंने उस दिन यूसुफ मस्ती खान की तकरीर को सुना, पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है, पाकिस्तान के हर आदमी को पता है कि इस मुल्क में असल इक्तदार आला है किसके पास। इंटरटू के पास कुछ नहीं है, इक्तदार आज भी फौजी जर्नेलों के पास है, और हमें जो है इन फौजी जर्नेलों के अगेंस्ट लड़ना होगा। लेकिन सिर्फ लड़ना ये नहीं होगा कि फौजी जर्नेल चले जाए और ये टट्टू दोबारा आ जाए, हमें आवाम की लड़ाई लड़नी चाहिए, यानी मजलूम कौमों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी जबानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी राइट की लड़ानी चाहिए, और तारीखी तौर पर कौमों की जो वहदत है उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक मुल्क जो है रजाकाराना फेडरेशन के तहत, अगर ये मुल्क रजाकाराना फेडरेशन पर चल सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, ज़मीनों पे कब्जे का मसला है। बैरियर टाउन का जिक्र हुआ, जुल्फकार का जिक्र हुआ, गवादर का जिक्र हुआ, ये मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज के दौर में चाइना उसी शक्ल में बढ़ रहा है, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा, हमारे वसाइल पर कब्ज़ा, हमारी कल्चर पर कब्ज़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी चाहिए, पाकिस्तान भर के मजदूरों को, पाकिस्तान भर के किसानों को, छोटे कौमियतों को, डेमोक्रेसी की ये लड़ाई जो है लड़नी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि बजाय आपस में लड़े, उस कुवत के खिलाफ लड़ना चाहिए जिसने जमहूरियत को यरगमाल बनाया है, जिसने आवाम के राइट्स को यरगमाल बनाया हुआ, और जिसने जो है कराची में आबाद कदीम सिंधी और बलोचों के इलाके को जो कब्ज़ागीर हो रहा है, जो बहुत बड़े एरिया पर कब्जा गिर हो रहा है, अगर हमने आज नहीं रोका, ये मजीद आगे जाता जाएगा, ये जामशोर हो जाएगा, ये नवाबशाह जाएगा, ये मेरपुर खास जाएगा, ये रोकेगा नहीं ये कब्जा। हमें अब जो है इसकी मजाहमत करनी चाहिए मुल्की लेवल पर, और यूसुफ मस्ती खान को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि यूसुफ मस्ती खान तारीख में जिंदा रहेगा, इसलिए कि पहले की तारीख जो है वो ये है कि शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया, तारीख में शाहजहां का जिक्र है, ताजमहल का जिक्र है। शाहजहां का उस ताजमहल से कोई लेना देना नहीं था, हजारों मजदूरों की मेहनत उस ताजमहल में शामिल है, लेकिन उस मजदूर का जिक्र नहीं है जिसने उसको बनाया था। आज का दौर ऐसा है कि तारीख यूसुफ मस्ती खान को बुला नहीं सकेगी, यूसुफ मस्ती खान जिंदा रहेगा। यूसुफ मस्ती खान के रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए, और एक तवील स्ट्रगल के लिए, कुर्बानियों के लिए, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी लालच के, आवाम की लड़ाई लड़नी चाहिए, लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस फौजी जर्नेलों के जो के खिलाफ जो जंग हो रही है, इसमें भी हमें सफ़े अव्वल रोल में अदा करना चाहिए। शुक्रिया। नू मैं तेरा देमतरामा नाम के हस्ते हैं, चेयरमैन जीएसएन मास वाजा अब्दुल कालिक जुनेजुन। अब मैं दावत किताब दूंगा अब्दुल कालिक जुनेजुन से, जब आए और अपना फैरत का इजाज़ देता हूँ। दोस्तों साथियों, जीएसएन अज आए यूसुफ मस्ती खान के शान में ये महफिल, मुझे ख्याल में उनके ही घो मौको दिजे तो गाले, उनकी तबीयत भी सही को मुख्तसर गाल मां कोशिश कदस। मुखे मां सोचा पो तो यूसुफ मस्ती खान सा मुझो जितरो वास्तो आ पुराणो उतां का गाल शुरू कया, या ताज़ा तरीन जेका सूरत आला उन्हें का गाल कया। छाकाण त जो दोस्त चई वो तो अठहत्तर का जो उनसा वास्तो आ, मुझो भी अठासी का वास्तो आ, ये बेन दोस्तन जो भी घणा मानू नरगो कराची सिंध बलोस्तान पाकिस्तान में ये सब के सुणंदा, पर ताज़ा तरीन गाल न कबी तो मज़ो नो यूसुफ मस्ती खान तकरीर कई इस्लामाबाद के जी वकीलन की कॉन्फ्रेंस ही
उन यूसुफ मस्ती खान के सजे मुल्क तीन पुजा छो जो मूँ अगे न भी सुण पाया उन्े हाँ सुण लगा उते तकरीर कई उन बाकी सजी महफिल जो मूँ जो मजबूर हुआ तो यूसुफ मस्ती खान की गाल की सपोर्ट कर छो तो अजक गाल जी त डायरेक्ट फौज जो नालो वी कोई न ाल ताकतवर इदारा रियासती इदारा इन मानू उथंदे सीधो तो नाला वी गालो लिहाजा बेन मानून के भी वह गाल करनी पई तो ताजी सुणप यूसुफ जी पाकिस्तान सजे में ही आए या गाल माना जमहूरियत ला जदोजहद तो इन मुल्क में जेके तजाद हैं जमहूरियत जो तबकाती तजाद कौमी तजाद उन सभी में यूसुफ मस्ती खान अगन सफर में असा नजर अचे तो हनीफ दिल मुराद बाबा असान के चंदा हूं तो कौमी जिदोजहद कर पर चवन नजरियाती जिदोजहद कज तबकाती जिदोजहद थी तो यह गाल सही आ पर मुकमल गाल ना है यूसुफ मस्ती खान जो किरदार अड़ो आ जैसे तबकाती जिदोजहद हले थी पी उते यूसुफ के ऐसो तो मू चवंदा तो हि तो है तबकाती जिदोजहद करो मू पर जैसे कौमुन के हकन की जिदोजहद थे थी तो उते यूसुफ के किरदार के मू जिसा तो वे चवंदा तो हि तो है ही वो नेशनलिस्ट तो ये ना वो बिन्नी बई जो वा तजाद या जो जमहूरियत जो एमआरडी की जिदोजहद में यूसुफ खबर होंगी तो पीएनपी जैमें ही हुआ वह पैरी एमआरडी में शामिल न थी छण तो पीएनपी जो उन्होंने चवण हो तो जेस तुणी कौमन के हकन की गाल ना जमहूरियत में वह जमहूरियत जमहूरियत ना वो जदे वो सवाल मनो वो तो बाद में पीएनपी बाद में शामिल थी उन में जे मुझे तो जमहूरी तबकाती कौमी जुदोजहद सभी के यो सब निभाए तो वरी जैसे कौमी जुदोजहद दिसजे तो एक ही वक्त बलोचिस्तान के कौमी जुदोजहद साम निभा रो सिंध के कौमी जुदोजहद साम निभा रो वो चे तो बाबा मुझा अबा दादा बलोचिस्तान से वास्तो रखन पा मुते फर्ज तो थे तो बलोचिस्तान के कौमी जुदोजहद में किरदार अदा क्या चे तो हाँ सिंध में रहा तो मुते फर्ज थे तो सिंध के कौमी हकन की जुदोजहद में हिस्सो अदा क्या बई वो निभाए तो पो गाल हर कें मू के बस में ना वास्तो असो 1988 में थो जद सिंध कौमी इतिहाद उनमें पीएनपी भी शामिल हुई सिंध कौमी इतिहाद के कराची के जो चैप्टर हो उन सदर थो उस्मान बलोच जो वास्तो पीएनपी से हो सेक्रेटरी जो हाशिम कोसो जो जीएस माज जो अगे परे का यूसुफ मस्ती खान के उस्मान के अस सुणंदे पर 88 का असो वास्तो अड़ो थो तो अस पार्टियन कड़ी में भी हुजूँ पर लगन दो ये असान जन तो एक पार्टी में आया यूसुफ मस्ती खान उस्मान बलोच की मेहरबानी तो ये ही सियासी मसलन से मूसा हाशिम खोसे या बन जिस दोस्त जी पार्टी के दोस्त से खुली गाला हुआ असां भी जेके असांजा जमायती ताईं मसाला हूंदा आहिनि उन ते बि यूसुफ ऐं उस्मान बलोच सां मशवरो कंदा आहियूं ईअं असांजो वास्तो आहे जीअं चयो त सिंध कौमी इतिहाद ठहियो त उन सां फौरन मसलो हिते लिसानी झगड़ा थिया इन ते मां नथो वञा त उहे क़ौमी इतिहाद ठहण जे करे ई जहिड़ा थिया हुआ या कीअं थिया टाइम न आहे पर माना हिकिड़ो चैलेंज मिलियो थियण सां यानी असांजे गॾजण सां हिकिड़ो वॾो चैलेंज मिलियो ऐं उहे जहिड़ा तव्हांखे ख़बर आहे कराचीअ में हुआ ऐं कराचीअ में यूसुफ उस्मान मूं हाशिम खोसे असां गॾिजी उन्हनि जहिड़नि खे मुंहुं ॾिनो जिन माण्हुनि जहिड़ा कराया
जेके नेशनलिज्म के नस्ल परस्ती की शक्ल में बणाईंदा हुआ पान के वड़ा तुरम खान बंदूकू खड़ी फोटा छपराइंदा हुआ उहे ॿाहिरां अची मैमार में जेके कैंपूं लॻल हूं बेघर थियल माण्हू जूं उते तकरीरूं करे हैदराबाद मोटी वेंदा हुआ। हिते लियारीअ में अठ चौक ते कैंप असां लॻाईसीं त उन्हनि अहिड़नि चैलेंजनि खे उन खां पोइ असां गॾु हलंदा आया आहियूं। ऐं हाणे जेका सूरत हाल आहे मां मुख़्तसर में अचां त सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस जो ज़िक्र थियो, गुल हसन करे वियो, ॿिया बि दोस्त करे पालारी साहबु करे वियो, उन में असां गॾु आहियूं, यूसुफ मस्ती असां गॾु आहियूं ऐं यूसुफ असांजी अॻुवाणी करे थो। ऐं इहे ॻाल्हियूं जेके उन्हनि चयूं मां बि उन्हनि जो गवाह आहियां त माण्हुनि जा नाला वठी न रुगो वॾेरनि ते नाला वठी हू चवंदो आहे पर जेके क़ौम परस्तीअ जे नाले में प्लाटनि ते कब्ज़ा कंदा आहिनि उन्हनि खे बि उन्हनि जे मुंहं ते नाला वठी चवंदो आहे। असां हुन में बि गॾु आहियूं। सिंध जे हक़नि जे लाइ सियासी जमायतुनि जो इतिहादु आहे, हीउ फर्दनि जो इतिहादु आहे। सियासी जमायतुनि जो इतिहादु आहे सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी, जेको नवनि सालनि खां कमु करे थो पियो। ऐं मां सम्झां थो जेतिरी मुंहिंजी ॼाण आहे त पाकिस्तान जी तारीख़ में को बि इतिहादु नव साल न हलियो आहे। सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी उन में बि यूसुफ मस्ती खान ऐं उस्मान बलो सां असां गॾु आहियूं। ऐं वरी सिंध में जेके लिसानी तफ़रक आहिनि उन्हनि खे पार करे ऐं रोशन ख़्याल तरक़ी पसंदि माण्हुनि जो हिकिड़ो इतिहादु आहे सेफ सिंध कमेटी, जंहिंमें सभई ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू शामिलु आहिनि। उन में बि यूसुफ मस्ती खान में असां गॾु आहियूं। त जेकॾहिं मुख़्तसर में मां ईअं चवां त यूसुफ मस्ती खान जो नालो ऐं जिदोजहद जो नालो हमाना बणिजी विया आहिनि। हुनखे असां हर क़िस्म जी जेका बि नाइंसाफ़ी हिन मुल्क में थिए थी उनजे ख़िलाफ़ु जेका जिदोजहद आहे उते यूसुफ मस्ती खान मौजूदु आहे। ऐं सिहत ख़राबु हुअण जे बावजूदु अॼु त कुझु बहितरु आहे, कुझु अर्सो अॻु में हुनजी तबियत इलाही ख़राबु हुई, उन जे बावजूदु जॾहिं हिते हिनखे मींहं खे ऐं हिननि मसइलनि खे बहानो बणाए कराचीअ खे सिंध खां कटण जी ॻाल्हि कई वई त उन ते जॾहिं सिंध प्रोग्रेसिव कमेटीअ मुज़ाहिरो कयो त यूसुफ मस्ती खान इंतिहाई बीमारीअ जी हालति में उते पहुची वियो। ऐं उन ॾींहुं हुन जहिड़ी हालति हुई, कुझु दोस्त जेके हुनखे वीहनि सालनि खां सुञाणनि उहे पुछनि पिया यार इहो केरु आहे, हुनजे सिहत जी सूरत लड़ी, पर तॾहिं बि उते आयो। ऐं हीउ उते ईंदो आहे, हीउ उहो लीडर आहे जेको इहो बि न सोचींदो आहे त बाबा हितड़े अवाम केतिरो आहे, मुंहिंजे पार्टीअ जा कारकुन केतिरा आहिनि। जीअं आमतौरु लीडर चवंदा आहिनि अॻु में अवाम पहुचे, पोइ कारकुननि जी का टीम पहुचे, पोइ लीडर पहुचे, इहो ख़्यालु न कंदो आहे त कारकुन आहिनि या न आहिनि। यूसुफ मस्ती खान मौजूदु हूंदो आहे। इहो हिकिड़ो मिसाली किरदारु आहे लीडर जो, जंहिंसां दोस्ती हुजणु, जंहिंसां सियासी इतिहादु हुजणु असां पंहिंजे लाइ फ़ख्रु सम्झूं था। ऐं आख़िरी ॻाल्हि मां इहो चवंदो यूसुफ जी तारीफ़ असां सभु कयूं था, पर उनखे ख़राज पेश करण जी ॻाल्हि तॾहिं थींदी त यूसुफ जिन कमनि जे लाइ जिदोजहद थो करे उहा जिदोजहद असां बि कयूं, न त पोइ रुॻो इहे ख़बरूं थींदियूं। महिरबानी। मां सदर इंडिजीनियस राइट अलायंस कराची सरो वजह उस्मान बलोच दसमंदी कंदा ಮೊಳದಾಲೆ ಸಂಗತ ಮರ್ಚಿಗೆ ಈ ಮುಚ್ಚಿ ಯೂಸುಫ್ ಮಸ್ತಿ ಖಾನ್ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಓ ಮಂಗ ಈ ಗೋಷ್ಠ ಕನ್ನ ಕೆ ಸದ್ದೀಕ್ ಗೋಠೆ ಆಕೆ ಸಿಯಾಸಿ ಸಂಗತ ಅಮಾಯ ಎದಾ ಮರ್ಚಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕೆ ಕುತ ಈ यूसुफ मस्ती खान जिंदगी ई नोके रस्में और फ़ाइदे की हमें रस्म शुरू की हुई फ़ाइदे के माँ वती हाल आयाला वती गप्पा जिंदगी बंद संगता ने देमा ये बिखने था कि आइया भी एहसास बीजी पीवी कि मर्दम मनी हमा एहसास आता मनी हमा गैरत गप्पा समझ गया आ दिगे पार्टी भी हमा पार्टियाँ बेबा के
बती हम उसूला यल विधिया और गुरुआ था कि यूसुफ मस्ती खान ने गप संगता को के आइया गो के फलानी 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 एक दुरा रवा महमूदा रही हमूदा भाई यूसुफ मस्ती खान हरवादी हर वक्त यूसुफ मस्ती खान हमा मखलूक घूमें के आ गुजनगे आ गरीबें आ कप्तगे ने भले यूसुफ मस्ती खाना बती पूरा जद्दोजहद तहा हमा वादी के तालिब इलमिया और अंगा तक यूसुफ मस्ती खाना ये गोश्ता कि मैं वती कौम वती हमा गरीबें तब तब कया इशिया माँ याद न दिया इशिया जी मैं बगैर थी रखना। दोस्तों यूसुफ मस्ती खान हमारा दोस्त है। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो आपको सबको पता होगा लेकिन जिनको पता नहीं है मेरा फ़र्ज है उसके उस तक पहुँचाऊँ। 1970 वाली जद्दोजहद में जब अय्यूब खान अपने उरूज पे जो था वो जलील होकर निकल रहा था और यहिया खान के बाद एक नई तब्दीली आई और वो सियासी जद्दोजहद थी। उस ज़माने की बात यह है कि यूसुफ मस्ती खान को जिस तरह मैंने देखा वो ये कि गैरतमंद और बाउसूल वालदेन की रवायत को उसने बरकरार रखा। वो क्या है कि भुट्टो साहब ने वाजा अकबर मस्ती खान को बुलाया और उसको कहा कि ये आरसीडी हाईवे जो है इसको आप बनाएं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं करें, कुछ भी होगा आपको पैसा मिलता रहेगा और आप ये रोड बनाएं। वाजा अकबर मस्ती खान जो सियासी नहीं था, यूसुफ की तरह ना पार्टी में था ना किसमें, और वो तो बिल्कुल अपर क्लास का आदमी था। मैंने जाके देखा था बर्मा में कि वो किस तरह रहता था, उनके बागात क्या थे वो मैंने देखे थे। और वो अकबर मस्ती खान ने भुट्टो साहब को कहा कि साहब आप जो बोलते हैं कि ये बलोचों के लिए ठीक होगा, ये बलोचों के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, खुशहाल होंगे, ये रोड बने तो आप इस रोड को बनाओ। मेरे समझ में ये बात आती है भुट्टो साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपसे हाँ कर लूँ ये सही नहीं होगा, मैं बिजंजो साहब से और अताल्ला मेंगल से जो सियासी लोग हैं पहले उनसे पूछूंगा, वो अगर हाँ करेंगे तो फिर तो मैं कर सकता हूँ। अगर उसने बोला अगर वो बोले नहीं तो उसने बोला अगर बोलेंगे नहीं तो हमको ये पैसा नहीं चाहिए। और उसके बाद अखबार में खबर आई कि वाजा अकबर मस्ती खान जो इतने बड़ा बड़ा जिसका नाम था मस्ती खान, अकबर मस्ती खान का नाम जो बर्मा वाले थे, वो अकबर मस्ती खान बिल्कुल थाने में एक रात तक तो रहा था, दो रात रहा यानी थाने में रहा था। अब मैं ये कहता हूँ कि सिद्दीक गोठ के, मलीर के, खडाब के, लियारी के और तमाम हमारे इलाके के बलोच और सिंधियों को ये समझना चाहिए कि कितने मुआहदे हुए अपने आपस में पार्टियों के, लेकिन जिसमें आवाम का फ़ायदा नहीं हुआ वो पार्टी बिल्कुल ऐसे ही तो ज़िंदा है लेकिन आवाम के दिलों में नहीं है। यूसुफ मस्ती खान पार्टी जो भी है लेकिन चूँकि आवाम की बात करता है तो आवाम के दिल में है, आवाम के जहन में है। ये होती है कि आवाम से कटना नहीं चाहिए और हमको कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती कि हमारे पास आदमी ज़्यादा हैं या नहीं है। हम कहते हैं कि जितने आदमी हैं वो उनका ज़मीर ज़िंदा है, अगर जिसका ज़मीर ज़िंदा है और वो हक की बात समझते हैं
मुफाद पे सौदा नहीं करते, अपनी ज़ात को नहीं देखते हैं, तो इसलिए वो आदमी जिंदा है और वही कौम चलाते हैं, वही अपनी कौम को सुरखुरू करते हैं। आज हम इधर आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों ने सब कहा, मैं आज फिर बात करता हूँ, एक बात और बताता हूँ। यूसुफ मस्ती खान और हम लोग का फैसला हुआ कि किस तरह हम बहरिया टाउन के खिलाफ लोगों में जाएं, आवाम में जाएं, और हमारे पास सब रिपोर्ट थी कि लोगों ने अपनी ज़मीन बेची है, और ये रिपोर्ट भी है कि जिसने बेची है उसको एहसास हुआ है कि हमको पैसा इतना नहीं मिला है, तो और ज़्यादा जिद्दोजहद करें अपने मफाद के लिए। तो हम लोग ने फैसला किया, यूसुफ ने कहा कि चलते हैं कोई एक ऐसा तरीका बनाना कि गोठ में जब भी चले जाके ये बहरिया टाउन का जो इलाका है इसके ऊपर हम लोग ने बहुत काम किया, अभी उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बोला कि जब जाएँ उधर तो किसी न किसी तरीके से, तुमको ये तजर्बा है पठान कॉलोनी फ्रंटियर कॉलोनी में मजदूर क्योंकि जिद्दोजहद का, अगर मजदूर नहीं होते थे तो तुम वो किस तरह वो चलाते थे। तो उसने कहा कि तुमको ये कहता हूँ कि हम लोग को जाना है और उधर कुछ हरकत होना चाहिए। मैंने यूसुफ को नहीं बताया, कुछ वो खटमटे बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं, कुछ हमने ये लिया, कुछ दो चार थोड़े पैसे जेब में रखे, और यकीन करो कि जब हम उधर गए तो गोठ के आदमी निकल नहीं रहे थे, गोठ के आदमी नहीं थे, और दूर से औरतें ऐसा देख के वापस चली जाती थी, और हमको बच्चे देखने आए, जैसा बच्चे देखने आए तो हमने रेवड़ी देना शुरू किया, बच्चों को रेवड़ी देना शुरू किया, कुछ को एक वो जो ये 5 रुपया होता है 2 रुपया होता है वो हमने दिया। ईमान से बच्चे हम लोग के पास आने लगे, तो उसके बाद दूसरे तीसरे दफ़ा हम जब गए तो लोगों ने गैरत किया और उसके बाद निकले। जिद्दोजहद का एक तरीका होना चाहिए, अपने आप को ज़िंदा रखो, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखो, और अपनी कौम को ज़िंदा रखो। ये अगर आप करेंगे, आज हम इधर आए हैं, हमारे पास इधर बच्चे बैठे हैं, हमारे पास बहुत ज़हीन दोस्त बैठे हैं, लेकिन ज़िंदा लोग बैठे हैं। ये ज़िंदा लोग हमारा सरमाया है, ज़ाती सरमाया नहीं है, ये कौमी सरमाया है। बहुत से दोस्तों ने बात की कि सिंध और बलूचिस्तान में क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि जो शख्स अपने आप को अपनी कौम के साथ नहीं रखेगा वो, और जो शख्स मजलूम के साथ अपने आप को नहीं रखेगा वो खुद भी मरेगा और उसका ज़मीर उसको हमेशा मलामत करेगा। हमारे लिए जहन में मीर गौस बख्श बिजंजो ने जो बात डाली है वो ये कि आप लोगों को जिद्दोजहद करना है 1940 के रेजोल्यूशन पे। 1940 के रेजोल्यूशन पे सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी जो भी इधर हैं वो अपना हक मांगे, आइन के तहत जो तुम्हारा हक है वो मांगो, और लोगों को बताओ कि यह हक अगर तुमने नहीं दिया तो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। ये लोगों को बताओ, हमारा फर्ज ये है कि आपको ये बताएं कि ये बड़े स्टार्स वाले, बड़े जहन वाले जो लिखारी हैं, अदीब हैं, शायर हैं, जो रियासत की बात करते हैं, हम उससे हटके उन लोगों की बात करते हैं जिसको हक नहीं मिल रहा है। आज आपके पास हम आके बहुत खुश हुए, अकबर वली मुर को याद नहीं है कि वो बच्ची ने जो इधर आया उसका नाम क्या है, आरिफा। हम ऊपर जब गए तो पहली मर्तबा मैंने ये देखा, एस बलोच मैं बहुत खुश हुआ हूँ भाई, ईमानदारी की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि जब हम ऊपर गए तो बच्चियाँ पढ़ रही हैं और थीसिस पे उसको काम कर रही हैं, लिंग्विस्टिक थीसिस। भाई
ये कौम को जिसको आप कहते हैं कि ये ख़त्म कौम है, उधर कराची में सिद्दीक गोठ में लाइब्रेरी में लड़कियां लड़कों के साथ बैठ के पढ़ रही हैं, इसको सलाम है भाई, इस इंतज़ाम को सलाम है, ये तरीक़ेकार को सलाम है। आज का एजेंडा भाई हमारा यही है कि इधर इंडिजिनियस मूवमेंट्स का जिक्र हुआ है, मैं कहता हूँ कि आप सुन लो गौर से, हमारी गुजारिश गौर से सुनो, जिस तरह बहरिया टाउन इधर कराची में बन रहा है, अभी आस्ते आस्ते पता चलने लगा कि ये पूरा थानो गुला खान तक जाएगा, नंबर वन, ये हैदराबाद जाएगा, नंबर टू ये नवाब शाह जाएगा, नंबर थ्री ये ऐसा होगा कि कराची के लोग ये देखेंगे। आप देखना कि इधर जिस तरह फिलिस्तीन में यूरोप के यहूदी आके लोगों का हक मार रहे हैं, इस तरह ये गबोल, ये छुट्टे, ये जो भी कौमें उधर हैं, ये सिंधी, ये बलोच जितने उधर हैं, ये बिल्कुल फिलिस्तीनों के तरह बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ेंगे। और आज हमारा एजेंडा ये है कि कौमी जद्दोजहद, तबकाती जद्दोजहद, अपने वसाइल के लिए जद्दोजहद, हमको ये जो बच्चे हैं, हम लड़के आए हैं, लेकिन अगर हम जद्दोजहद नहीं करेंगे तो ये बच्चे यतीम होंगे और भिखारी होंगे। आपको सिर्फ मैं ये तकरीर ख़त्म करने से पहले एक बात बताता हूँ कि मैं गाढ़ो गया था, घारो के बाद गाढ़ो आता है, तो उधर मैं गया गाढ़ो, तो हमने उससे कुछ आदमी से पूछा कि यार वो पीपल का इधर दरख्त था किधर, इधर वो किधर गया, वो उधर बैठे थे, तो उसने बोला वो पीपल का दरख्त ख़त्म, उसके बाद बाकी भी जितना समंदर है वो ज़मीन लेके गया, और वो आदमी उधर से निकलते हैं, और खारो दर में मैंने सुना है आके वो बैठते हैं और लोग भीख मांग रहे हैं। परसों तरसों के तीन दिन के अखबार पहले आप ये देखें कि जो कराची का पेज आता है उसमें 30 आदमी मैंने गिने हैं सोए हुए मैदान में, फुटपाथ पे सोए हुए हैं, ये कराची के डॉन अखबार में आया है। तो लोगों को रोजी नहीं मिल रही है, लोग इधर मफलूकुल हाल हैं और उनके वसाइल ख़त्म हो रहे हैं और वो भीख मांग रहे हैं। हमको भिखारी कौम नहीं चाहिए, हमारा हक है कि हमारे वसाइल जो हैं वो हमारे लिए हों, हमारा एजेंडा ये है।